डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद सैम्पलिंग रेजिस्टर। देखिए आपको याद होगा जब हमने डिफरेंशियल इनपुट एम्पलीफायर किया था, ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसमें हमने ये डायग्राम किया था। ये ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जिसमें दो इनपुट्स हैं और बैलेंस आउटपुट दोनों कलेक्टर से ली गई है, बैलेंस आउटपुट है। इसमें हम कर रहे हैं सैम्पलिंग रेजिस्टर। तो ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम दो रेजिस्टर्स और ऐड करते हैं जिसको हम सैम्पलिंग रेजिस्टर बोलते हैं। वो कैसे, देखिए अब ये जो एमीटर होते हैं E1 और E2, इसके साथ दो रेजिस्टर्स, एक रेजिस्टर यहाँ पे एक रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ये होते हैं सैम्पलिंग रेजिस्टर जो कि एमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। और ये जो रेजिस्टर होते हैं डिपेंड करते हैं वोल्टेज गेन पे, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन होगा उस पे डिपेंड करेंगे। अब इन रेजिस्टर्स का यूज किया क्यों जाता है, सैम्पलिंग रेजिस्टर्स का, इससे जो सर्किट की लीनियरिटी होती है, लीनियरिटी रेंज होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से इन रेजिस्टर्स का यूज किया जाता है। जनरली इसकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है स्मॉल आर ई के कंपैरिजन में। हमने पिछले जो टॉपिक्स हैं उसमें भी किए थे कि जो आर ई है वो उसकी वो ज़्यादा होती है स्मॉल आर ई के कंपैरिजन में, तो इनको हम सैम्पलिंग रेजिस्टर्स बोलते हैं। जो एमीटर करंट है दोनों ट्रांजिस्टर का, उसको हम किच ऑफ वोल्टेज लो अप्लाई करके प्रोड्यूस करते हैं, जो इसके लिए और इसके दोनों के लिए सेम होता है, ये तो हम जानते ही हैं। अब किच ऑफ वोल्टेज लो अप्लाई करेंगे बेस एमीटर लूप पे। इनपुट वोल्टेज 1 और इनपुट वोल्टेज 2 इज इक्वल टू 0 होगी और दोनों इज इक्वल टू होंगे 0 के। Vin1 is equal to Vin2 is equal to 0 के। अब एक के लिए हम किचऑफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो दूसरे का अपने आप ही आ जाएगा। सबसे पहले इसके लिए किचऑफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ से जाएगा पहले करंट माइनस आर इन अप आर आईबी करंट जो कि यहाँ से बेस करंट जो कि बेस पे फ्लो होगा, माइनस वीबीई इस बेस और एमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी, फिर करंट जाएगा यहाँ से माइनस आर डैश ई इंटू आई ई एमीटर करंट जो यहाँ पे फ्लो होगा, और फिर यहाँ पे जाएगा आर ई यानी कि माइनस आर ई ब्रैकेट टू आई ई, क्योंकि यहाँ पे टू आई ई इसलिए क्योंकि एक एमीटर करंट यहाँ से आ रहा है एक यहाँ से आ रहा है इसलिए टू आई ई, प्लस वी ई ई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस वी ई इज इक्वल टू जीरो। ये तो किचऑफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके हमारे पास आया है। जो बेस करंट होता है वो इज इक्वल टू होता है एमीटर करंट और बीटा डीसी के, ये तो हम जानते ही हैं, ये बीटा हमारा करंट फैक्टर होता है। अब जो बेस करंट आई बी की वैल्यू है आई ई अपॉन बीटा डीसी, आई बी में से पुट कर देगी, ये हमने डीसी एनालिसिस में किया था जो कि सब सर्किट्स के लिए सेम है। अब यहाँ से एमीटर आई ई अपॉन बीटा डीसी की वैल्यू पुट करके हमने आई ई को कॉमन ले लिया। आई ई को जब यहाँ से एक यहाँ आई ई यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, वैल्यू पुट करके आएगा जो, तो आई ई को कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा वी ई ई माइनस वी ई बी ई अपॉन टू आर ई, टू आर ई यहाँ से प्लस आर डैश ई प्लस आर इन अपॉन बीटा डीसी, अपॉन में चले गए तो प्लस में हो गए, ये हमारे पास आई की वैल्यू आई है। तो ये जो वैल्यू है जो हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स हैं जितने भी हमने फोर टाइप्स के किए हैं उन सब के लिए कॉमन है, चाहे उसमें उसमें क्या हुआ होगा कि आर ई डैश अप्लाई हो गया है, आर डैश ई अप्लाई कर दिया है, तो ये सब के लिए कॉमन ही आएगी एमीटर करंट जो आएगा हमारे पास। लेकिन जो कलेक्टर और एमीटर की वोल्टेज है वो सेम रहेगी। अगर हम ये वाले रेजिस्टर्स को सर्किट में लगाते हैं, सैम्पलिंग रेजिस्टर्स को सर्किट में लगाते हैं या नहीं भी लगाते हैं, तब भी इसका कलेक्टर एमीटर वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे पास कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जब हमने डीसी एनालिसिस की थी तब आई थी VCC प्लस VBE माइनस RCIC,
अब भी ये स्टिल सेम ही रहेगी, यानी इन रेजिस्टर्स का कलेक्टर एमिटर वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमारी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज सेम रहेगी। नेक्स्ट है कि जो हम ये रेजिस्टर ऐड करते हैं आर डैश, इससे हमारे पास जो वोल्टेज गेन और इनपुट आउटपुट रेजिस्टर्स आते हैं वो उनमें डिफरेंस आ जाता है इनपुट रेजिस्टर में, क्योंकि आउटपुट में नहीं आता, इनपुट में आता है। देखिए क्यों वोल्टेज गेन में फर्क पड़ेगा, अगर ये रेजिस्टर्स लगाएंगे तो नया वोल्टेज गेन प्रोड्यूस होगा और इनपुट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। वो कैसे, जब हम वोल्टेज गेन क्या होता है हमारे पास, V आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, यही होगी VID इनपुट वोल्टेज से शो करते हैं जिसे। तो पहले हमारे पास जब हमने ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफाई किया तब हमारे पास गेन प्रोड्यूस हुआ था RC अपॉन RE, ये वाला प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अब इसमें एक और रजिस्टर जुड़ गया है R, ये वाला आर डैश ई, तो आर ई के साथ आर डैश ई एड हो जाएगा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा और वोल्टेज गेन चेंज हो जाएगा। सेम इनपुट रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, इनपुट रेजिस्टेंस पहले हमारा इनपुट रेजिस्टेंस R in 1 और R in 2, ये वाला रेजिस्टेंस जो होते थे ये 2 बीटा ए सी आर ई के इक्वल होते थे, लेकिन ये रेजिस्टेंस जुड़ने से वो प्लस आर ई इसमें ऐड हो जाएगा, सिर्फ इतना डिफरेंस पड़ेगा। और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा, क्योंकि आउटपुट तो हम यहाँ से लेते हैं, कलेक्टर से लेते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस सेम रहेगा, आर आउट वन इज इक्वल टू होगा आर आउट टू, यानी कि जो कलेक्टर रेजिस्टर के इक्वल रहेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारा सैम्पलिंग रेजिस्टर डिफरेंशियल एम्पलीफायर के। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉन्स्टेंट करंट बायस करेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।